Hello, welcome back friends. Welcome to Tanishk coaching class. Friends, आज मैं आपके लिए class 12th commerce related IMP questions लेकर आया हूँ. आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और साथ ही आपको 70% के अबव इससे आपके क्वेश्चन बैठने की उम्मीद करता हूँ. और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके. फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ. क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ 70% अबव 70. क्लास 12th अकाउंटेंसी फॉर एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019. 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू एक्ट 1932. एक्सप्लेन एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा बताइए और साझेदारी की कोई 4 विशेषताओं को समझाइए. क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंस बिटवीन इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. परिवर्तनशील पूंजी खाता और स्थायी पूंजी खाते में अंतर लिखिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. लाभ हानि समायोजन खाते से आपका क्या आशय है? लाभ हानि समायोजन खाता क्या है संक्षेप में समझाइए. एक्सप्लेन द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट. साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन सैक्रिफिसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर लिखिए. क्वेश्चन नंबर सिक्स, स्टेट द कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल एनी 5. ख्याति उत्पत्ति के कोई 5 कारण लिखिए. एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विथ एग्जाम्पल्स. ख्याति मूल्यांकन की विधियों को उदाहरण सहित समझाइए. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज रिवॉल्यूशन अकाउंट, व्हेन इज इट ओपन्ड एंड हाउ इज इट क्लोज्ड एक्सप्लेन. पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, यह कब खोला जाता है और ये कैसे बंद होता है समझाइए. डिफरेंस बिटवीन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. फर्म के समापन और साझेदारी के समापन में अंतर लिखिए. क्वेश्चन नंबर 11, डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट. पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर लिखिए. व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता क्या है. क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक्स. अंश और रहतिए में अंतर लिखिए. एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
कंपनी, कंपनी की कोई चार विशेषताएं लिखिए, चार विशेषताओं को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 15, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स एनी 5। समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में कोई 5 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मीन्ट बाय फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स। अंशहरण से आपका क्या आशय है, अंशहरण की विधि को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स, अंश और ऋण पत्रों में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों के प्रकार को संक्षेप में समझाइए। दोस्तों इससे आपको कोई डिबेंचर का टाइप आएगा जिसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट इज मीन्ट बाय रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, व्हाट पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों के शोधन से आपका क्या आशय है, सॉरी, व्हाट पॉइंट शुड बी कैप्ट इन माइंड ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ऋण पत्रों के शोधन करते समय कौन से बिंदु ध्यान में रखने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, राइट एनी फॉर यूटिलिटीज और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, राइट एनी फोर लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई 4 सीमाएं लिखिए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इसमें भी आप एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स अर्थात उद्देश्य तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंस बिटवीन करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, चालू अनुपात और तरल अनुपात में अंतर बताइए। फ्रेंड्स ये लिक्विड रेशियो के प्लेस पर क्विक रेशियो भी हो सकता है, आपको क्विक रेशो और लिक्विड रेशो बोथ आर सेम, आपको करंट रेशो और लिक्विड रेशो में डिफरेंस करना है। क्वेश्चन नंबर 24, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश बजट, रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रभाव विवरण और फंड वाहक विवरण में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26, ऑब्जेक्टिव्स और यूटिलिटीज और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ बहाव विवरण बनाने के उद्देश्य अथवा यूटिलिटीज उपयोगिता या फिर महत्व। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। साथ ही आशा करता हूँ कि इसमें 70% तक आपको थ्योरी सेक्शन में आपको इससे क्वेश्चन बैठ जाएंगे।